अरे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। कंपनी है जो पहले हाइंस थी, उसका नाम चेंज करके ZS-19 रख दिया गया है। और ये कंपनी 17 तारीख की रात से यहाँ बंद है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी, जितने वर्कर्स हैं, वो धरना दे करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बगैर सूचना दिए ये कंपनी यहाँ पर बंद कर दी गई। और जितने भी वर्कर हैं आपके सामने बैठे हुए, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, 17 तारीख की रात को ये कंपनी बंद कर दी गई। वर्कर सभी परेशान हैं क्योंकि कोई भी सूचना इनको नहीं दी गई। तो यहाँ हमारे वर्कर भाई जो लीडर उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है। कंपनी के अधिकारियों ने बगैर सूचना दिए कंपनी कैसे बंद कर दी, भाई जी बताइए। तो देखिए, अभी 17 तारीख के शाम को लगभग 6 बजे कंपनी हमारे यूनियन है, यूनियन के ग्रुप में नोटिस आता है, बंदी का नोटिस आता है। तो जो नोटिस बजे तक होती है उस पाली में सुचारू रूप से काम होता है। फिर जो 9 से 5, 5:30 बजे तक पाली चलती है उसमें भी सुचारू रूप से काम चलता है, वहाँ तक किसी को कोई भनक नहीं लगती है। उसके बाद 5:30 से 6 के बीच में ये जो शर्मनाक हरकत मैनेजमेंट द्वारा की गई हम लोगों के साथ, तो वह 5:30 से 6 बजे के बीच में लगभग की गई है। तो इसके बारे में किसी को कोई अवगत नहीं था। बच्चे सिंह बिष्ट जी का कहना है कि ये जो कंपनी बंद की गई 17 तारीख की नाइट में, इसके लिए किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई। और यहाँ पर आप देखते हैं कि महिलाएं जो कि यहाँ वर्कर हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं, इनको भी किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी। मैडम क्या नाम है? कितने दिनों से यहाँ जॉब करते हैं? सैलरी कितनी मिलती है? तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये सैलरी है इनकी। 10 सालों से यहाँ वर्क करते आ रहे इस कंपनी के अंदर, और उसके बावजूद कंपनी अचानक एकदम से बंद कर दी जाती है। हमारे कैमरामैन आपको कंपनी भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये कंपनी है जिसके अंदर ये जॉब करते चले आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। ये मैडम का कहना है कि 10 साल इनको यहाँ काम करते हुए गए। और आप बताइए भाई साहब, थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। कह रहे हैं आप पहुँचे? नहीं सर, यहाँ कोई विधायक आपके लिए और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान रहेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। भूख हड़ताल भी करना पड़े तो हम करेंगे, अगर हमारे जीव बच्चों को लाना पड़ेगा रोड पर तो भी हम लाएंगे, पर इसके अलावा जारी रखेंगे। भाई साहब, यहाँ एक कंपनी थी जो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी, वर्करों को बाहर निकाल दिया गया और वो भी काफ़ी लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए भी कोई नहीं पहुँचा था। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ कोई आएगा आपकी सुध लेने के लिए, पूछने के लिए? सर, सरकार तो ऐसी है कि सरकार सोचती है, देखती है, पर उसको कुछ कार्रवाई नहीं करती। पर ये जो हमारे बालाजी है, जो हमारा जो क्या है अब गुजर मुझा है, उसका जो भी घटना घटी वो शर्मनाक करता कि मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है, आज इस फैक्ट्री कर रहा है, कल दूसरी फैक्ट्री करेगा, कल तीसरी फैक्ट्री करेगा। ऐसे में तो हमारे सारे बंदे जो बेरोजगार, जो रोजगार भाई है या अपने जो साथी लोग हैं, वो सब तो रोड पर ही आ जाएंगे। उसको कोई मतलब मान के लो कि परिवार की कोई, इन लोगों की कोई टेंशन चिंता ही नहीं है, या कोई टेंशन नहीं है कि इनके परिवार में क्या है क्या नहीं है, हम इसको ऐसे लात मार के भाग के चले जाएंगे। तो ये सर बहुत ही गलत बात है, ऐसा इस मैनेजमेंट को करना नहीं चाहिए था, और आगे से भी कोई मैनेजमेंट ना करे इस तरह का। सुनवाई हो जाए तो किसी अधिकारी के पास भी गए हैं अभी तक? नहीं गए सर, गए हैं अधिकारी के पास, गए थे लोग हमारे, ये जो भी हमारे DLC LC है यहाँ पे लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि आगे कार्रवाई हो, और हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी और नेता के लोगों के पास जाएंगे। पर अभी तो हमारे जो भी बंदे मेहनत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, CLC, LC, जोधपुर, नैनीताल, ये सब यहाँ पे लगे पड़े हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से अपनी कार्रवाई चल रही है चलेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, और भी आगे कदम लेंगे। यही शर्मनाक हरकत की गई है। इनका कहना है कि हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ जॉब करते चले आ रहे हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम सज्जन बोरा है, मैं यहाँ पर 12-13 साल से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रक्रिया आपको बता दी गई है, आप देख ही रहो। जैसे कि हमारी फैक्ट्री 17 तारीख को बिना बताए सूचना, बिना सूचना किसी को, जबकि इस फैक्ट्री में यूनियन है,
यूनियन होने के बावजूद भी ना यूनियन को कोई सूचना दी गई ना कुछ, और बिना मतलब बताए किसी को भी ये चस्पा कर जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से बातें चली जाते हैं। तब से हमारे सभी मतलब भाई लोग यहाँ पे 9 दिन से कंटिन्यू रात दिन 24 घंटे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो भी पत्राचार है उसके माध्यम से हमने हर जगह पे ये सूचना दे दी गई है और कई जगह से आश्वासन भी मिला, बट क्या है कि अभी हमारी कुछ बात चल रही है तो उसमें क्या है ना मैनेजमेंट पक्ष के लिए नहीं रहा जा रही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो भी हैं बैठे हुए हैं, देखो जब तक न्याय नहीं मिलता है अभी जब तक यहाँ पर इन लोगों को जो हमारी मांग है इस कारखाने को दोबारा से चलाने की, क्योंकि इसके साथ में 1200 तो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1200 लोगों का परिवार इससे जुड़ा हुआ है। जब तक इस कारखाने को हम दोबारा से चला नहीं देते हैं से चल नहीं जाते हैं तब तक ये चीज़ यहाँ पर जारी रहती है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा अभी तो हम 9वां दिन है 10वां दिन है और जैसे जैसे चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो हमारा धरना है ये फिर एक विशाल रूप के तौर पे भी सामने लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पर 9 दिन 10 दिन हम बैठे रह गए, ऐसा नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाह रहे हैं अगर ये चीज़ों का जल्दी से निवारण नहीं होगा तो ये विशाल रूप में हमारा धरना आपको दिखेगा भी और ये सामने निकल के दिया जाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। तो आपने देखा यहाँ जितने भी वर्कर्स कंपनी के बैठे हुए हैं इनका कहना कि 10 दिन से यहाँ रेगुलर बैठे हुए हैं, अभी क्या मौके पर नहीं पहुँचा है, ऐसा ही है भाई। तो यहाँ मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है, जिसको लेकर के इनके अंदर बहुत ही चिंता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। 1200 वर्कर्स इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे जो कि अपने परिवार का खाना खर्चा यहीं से चला रहे थे। 1200 वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं और इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई कि ये कंपनी बंद होने जा रही है। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्वनी दीक्षित की खास रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं एक नई खबर पर। धन्यवाद।